कौन बनाएगा सेमीफाइनल में जगह पक्की, क्या भारत बांग्लादेश को हरा सेमीफाइनल में जगह पक्की कर पाएगा, या फिर बांग्लादेश करेगा कोई बड़ा उलटफेर। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट राइजिंग स्टार पे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का 35वां मैच खेला जाना है, जो कि एडिलेड में खेला जाएगा। बात करें दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों ने अपने तीन खेले गए मुकाबले में दो दो जीत हासिल करके बराबर अंकों के साथ अंक तालिका में बने हुए हैं। लिहाजा इस नज़रिया से देखते हुए दोनों टीमों के लिए इस मैच को जीतना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस मैच में जीत और हार निर्धारित करेगी कि कौन टीम आगे सेमीफाइनल में पहुंचेगा और कौन किस टीम की उम्मीदें सेमीफाइनल से टूट जाएंगी। भारत टीम की बात करें तो उनके ओपनर्स जो कि रोहित शर्मा और KL राहुल, जिनका फॉर्म भारत के लिए चिंताजनक साबित है, अभी तक इस पूरे T20 टूर्नामेंट में चिंताजनक बना हुआ है। जहां बात करें KL राहुल की, तो वो लगातार तीनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस T20 मैच में, जो कि बेहद निर्णायक मुकाबला होने वाला है, इसमें भारतीय टीम अपने ओपनर से उम्मीद करेगी वो एक अच्छे स्टार्ट दें और टीम को जीतने और सेमीफाइनल तक पहुँचने में अपना अहम भूमिका निभाएं। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली, KL राहुल और हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो अपने ज़बरदस्त शानदार फॉर्म में आए और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल, उनसे अपने सेम को दोहराने की उम्मीद इस मैच में भी सभी फैंस को और भारतीय क्रिकेट टीम को बनी रहेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदारों में से भारत एक महत्वपूर्ण दावेदार है। भारत को अपने पिछले मैच में पर्थ की तेज पिच पर दक्षिण अफ्रीका के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। भारत अब बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले सुपर 12 मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी। भारत खिताब जीतने आया है और हम उन्हें हराएंगे, शकीब अल हसन ने रोहित शर्मा की सेना को चेतावनी देते हुए अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा। शकीब अल हसन ने कहा कि वह यहां वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं, वह यहां वर्ल्ड कप की दावेदार भारतीय टीम को हराकर बड़ा उलटफेर करेंगे। दोस्तों, वहीं वेदर रिपोर्ट की हम बात करें तो 2 नवंबर को मेलबर्न में बारिश का पूर्व अनुमान है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार मैच डे पर पूर्व अनुमान गंभीर है। सुबह और दोपहर के वक्त गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वहीं शाम को मैच के दौरान बारिश की लगभग 60% संभावना है। दक्षिण पश्चिम की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई स्थानीय समय अनुसार मैच शाम करीब 6:30 बजे से शुरू होगा, उस वक्त भारत में दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे। T20 वर्ल्ड कप में मंगलवार को एशियाई महाद्वीप के दो देशों की टीमें भारत और बांग्लादेश एकदम अलग मौसम में खुद को फिट रखते हुए मैदान में उतरने की कोशिश करेंगी। बांग्लादेश जहाँ जिम्बाब्वे पर रोमांचक जीत के साथ आ रही है, तो वहीं भारत की अगर बात करें तो शुरुआती 2 मुकाबले जीतने के बाद उसे साउथ अफ्रीका से शिकस्त झेलनी पड़ी। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें, अगर बारिश की वजह से यह मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स मिलेंगी, जिससे भारत के पास 4 मैच में 5 अंक हो गए, बांग्लादेश के पास भी यही सेम अंक हो गए। इसी के साथ इंडिया को अपने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतना ही होगा, जो कि बड़ा उलटफेर करने के लिए जाना जाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के साथ भारत के 7 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन अगर हम वह मैच गंवा देते हैं तो फिर पाकिस्तान के टूर्नामेंट में बने रहने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान के भारत से ज़्यादा पॉइंट्स यानी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। दोस्तों, प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत के लिए संभावित प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा कैप्टन, KL राहुल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुडा, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कोई एक खेलेगा। दोस्तों, याद रहे कि
पिछले मैच में दिनेश कार्तिक को मैदान में चोट लगी थी, जिसकी वजह से ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने आए थे उनके जगह पे। तो दोनों में से कोई एक को खिलाया जा सकता है आज। वहीं रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप बॉलिंग की कमान संभालेंगे। वहीं बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात करें तो नजमुल हुसैन संटो, सौम्य सरकार, रिटन दास, सकेबल हसन कैप्टन, आफिफ हुसैन, मोसद्दक हुसैन, नरुल हसन विकेट कीपर, यासिर अली, मुस्तफिजुर रहमान, हसन मोहम्मद और तास्किन अहमद की प्लेइंग 11 में होने की संभावना है। दोस्तों, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि भारत इस मैच को जीत कर अपनी सेमीफाइनल में स्थान पक्की करने की पूर्णतः प्रयास करेगी। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और आपके अपने क्रिकेट राइजिंग स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई की मदद करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।